इन दिनों प्रदेश में पानी की समस्या ने विकराल रूप ले लिया है। बलरामपुर जिले का ग्राम पंचायत जगमा पटना में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ के ग्रामीण लोग नाले के पानी से पीने और नहाने के लिए मजबूर हैं। गांव में पिछले कई सालों से ये समस्या बनी हुई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने पानी की समस्या पर ध्यान नहीं दिया। मामले में जब अधिकारियों से बात की गई तो उनका जवाब भी हैरान करने वाला था। जनपद पंचायत के सीईओ ने बताया कि गांव वाले हैंडपंप चलाने में मेहनत करने से दस्त हैं, इसलिए वो नाले का पानी पीते हैं। गांव में सिर्फ एक ही हैंडपंप है जो कि चालू है, इसमें भी काला ही पानी निकलता है। बाकी हैंडपंप सालों से सूखे पड़े हुए हैं। नाले का पानी पीने से ग्रामीणों को कई तरह की बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। हम लोग भी यही पानी पीते हैं। बोला है तो कुछ नहीं बोलते हैं। कोई भी काम लागी नहीं है से, शादी बियाह लिपा पोता सब यहीं से, उन्हें कहीं पानी ही नहीं है। हैंडपंप ना चलाना पड़े इसकी वजह से वो लोग अपना बर्तन वर्तन भी वहाँ ले जाते हैं, कपड़े भी ले जाते हैं और वहाँ भी नहाते हैं और वहाँ पे डोरी से पानी भी निकालते हैं। हम लोगों ने उनको सुझाव दिया है कि आप लोग इसको हैंडपंप का अधिक से अधिक जब तक उपयोग नहीं करेंगे तब तक उसमें साफ पानी नहीं मिल पाएगा। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में दो एशियाई